Hello everyone and welcome to AD Technovation once again. I am Amit and today I am going to tell you about a new Motorola Razr foldable phone. So आज के इस वीडियो में मैं आपको Motorola के Razr फ़ोन के बारे में बताऊंगा जो कि एक foldable फ़ोन है. Motorola Razr पहले भी काफ़ी टाइम पहले भी ये फ़ोन आता था और यूज़ किया है काफ़ी लोगों ने, आई नो. और इस बार ये टच फ़ोन के रूप में हमारे सामने आएगा. जो लोग इसको पहले से इस नाम को जानते हैं उन्हें पता है कि एक जाने माना नाम था ये, और फिर से अब ये हमारे सामने आ रहा है, लेकिन इस बार कुछ अलग तरह से इंटरेस्टिंग वे में आ रहा है ये. सो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या स्पेसिफिकेशन है. इंडिया में ये अवेलेबल होगा जल्दी ही और आप यहाँ पर इंडिया में इसे ले सकते हैं. और यहाँ पर इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा मैं आपको और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा, तो आप इसको ज़रूर देखें. इस फ़ोन के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, प्राइस वगैरह सब कुछ यहाँ पर मैं बताऊंगा आज. सो न्यू मोटोरोला रेजर. सो सबसे पहले ये लुक आप यहाँ पर देख लें, कुछ इस तरह का इसका लुक रहेगा. ये पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही है और इसी तरह का ये फ़ोन होने वाला है डेफिनेटली. आप देख सकते हैं जिस तरह से हमने पहले इस तरह के फ़ोन यूज़ किए हैं जो बंद हो जाया करते थे, अगेन वैसा ही एक फ़ोन है. जैसा हमने सैमसंग के फ़ोन के बारे में पहले देखा, फोल्डेबल फ़ोन सैमसंग का भी लॉन्च हुआ है कई जगहों पर, और वो जब फोल्ड होता है तो एक टैबलेट की तरह बन जाता है, फोल्ड को हम खोलते हैं तो. लेकिन यहाँ ये साइज़ जो है इसका वो नॉर्मल फ़ोन की तरह ही रखा गया है, लगभग 6 इंच के आसपास या इससे थोड़ा सा ज़्यादा, मैं बताऊंगा आपको अभी आगे इसके बारे में. तो उस साइज़ में ये फोल्डेबल फ़ोन बनाया गया है और ये इसकी एक सबसे बड़ा यूएसपी है, सबसे बड़ा खासियत है एक, क्योंकि हमें उस साइज़ में फ़ोन मिल रहा है तो कैरी करने में कभी भी दिक्कत नहीं होती है. पॉकेट में रखना है आपको, एक नॉर्मल फ़ोन की तरह यूज़ करना है तो कर सकते हैं. जिस तरह से सैमसंग का जो फोल्डेबल फ़ोन था उसको, वो भी एक हैंडी फ़ोन था, बट कंपेयर टू दिस ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा और एक बेस्ट इसका फीचर रहेगा ये. तो इस तरह से ये ओपन होगा, इस तरह के फ़ोन हमने पहले भी देखे हैं जो खुल जाया करते थे, तो उसी तरह से ये खुलेगा. आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इमेज आपको दिखाई दे रही है इसकी. अब ये जो फ़ोन है इसमें कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा. यहाँ पर ये जब खुलता है तो 6.2 इंच ये इसका साइज़ लगभग रहेगा. जब ये ओपन हो जाएगा, फुल स्क्रीन में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा गया है, यू कैन सी 6.2 स्क्रीन मैक्सिमाइज द व्यूइंग एरिया. जब हम इसको खोल देंगे, खोलते हैं जब इस फ्लिप को, तो ये 6.2 स्क्रीन का एक फ़ोन बन जाएगा. डेफिनेटली फोल्डेबल है और OLED डिस्प्ले है और 21:9 का रेशो है इसमें, आस्पेक्ट रेशो. इसके अलावा जब हम इसको बंद करते हैं, फोल्ड कर लेते हैं, तो 2.7 इंच की OLED क्विक व्यू डिस्प्ले रहेगा. तो आप बंद करके भी जो स्क्रीन छोटी सी यहाँ पर सामने रहेगी उसका मैं पिक्चर आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, वो स्क्रीन भी आप टच करके ऑपरेट कर सकते हैं और सारे जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फीचर. तो इस छोटी सी स्क्रीन में आपके नोटिफिकेशन और बाकी सारी चीज़ें रहेंगी और काफ़ी कुछ इसमें आप कर पाएंगे. 2.7 इंच की OLED क्विक व्यू डिस्प्ले रहेगा, उसमें क्या क्या रहेगा वो आपको पता चल जाएगा. फिलहाल ये इसका जो फोल्ड में किस तरह का साइज़ रहेगा और फोल्डेबल किस तरह से रहेगा वो मैंने आपको बताया. तो यहाँ पर ये लिखा गया है, देख सकते हैं कि यहाँ पर चाहे आपको गूगल असिस्टेंट यूज़ करना हो या फिर आपके नोटिफिकेशन देखने हो, आप सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, कर सकते हैं. आपके टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, कॉल्स, सब कुछ आपको शॉर्ट स्क्रीन जो है, सॉरी स्मॉल स्क्रीन जो हो जाएगी बंद करने पर, उसमें आसानी से आप देख सकते हैं. सो ये एक बहुत बेस्ट फीचर है. तो ये तो यहाँ पर एक मैंने आपको बताया कि ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं, कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा यहाँ पर. पहले मैं आपको इसका लुक एक जो बंद करने पर किस तरह का रहेगा वो बता देता हूँ. तो कुछ इस तरह का लुक इसका बंद करने पर रहेगा. यू कैन सी इतना छोटा हो जाएगा. यहाँ से आपको फ्रंट में कैमरा भी एक्सेस करने मिलेगा, जिसे आप फ्रंट कैमरा की तरह यूज़ कर सकते हैं. कैमरे के बारे में अगर मैं बताऊँ तो इसका जो कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल है और जब आप इसे खोलते हैं तो वही कैमरा रियर कैमरा बन जाता है, बैक में जो होता है, और जब आप इसको बंद कर लेते हैं तो जिस तरह से इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आप फ्रंट कैमरे की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं और पिक्चर्स ले सकते हैं. 16 मेगापिक्सल ये स्पेसिफिकेशन निकल कर आया है. 16 मेगापिक्सल का कैमरा आपका होगा जो फ्रंट और रेयर दोनों ही तरह काम करेगा.
ओके, तो फ्रंट और रेयर दोनों ही 16 मेगापिक्सल होगा एक तरह से। और इसकी जो रैम रहेगी वो 6 GB रैम होगी और 128 जो GB स्टोरेज है वो इसमें आपको मिलेगा। तो इस तरह से ये स्टोरेज रहेगा इसका, जो जरूरी है जानना आपको। अगर मैं इसके बैटरी की बात करूँ तो क्विक चार्जिंग है, क्विक चार्जिंग सपोर्ट इसमें मिलेगा और लगभग 2500 mAh से ऊपर की ही बैटरी मिलेगी इसमें, अभी और कंफर्म हो जाएगा, फिलहाल ये स्पेसिफिकेशन निकल कर आया है। तो 2500 mAh की बैटरी इसके इसके आसपास रहेगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और रैम आपको मैंने बता दी, यहाँ पर डिस्प्ले बता दिया एंड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको फोल्ड करने पर ये इस तरह से जब छोटा हो जाता है तो फिंगरप्रिंट सेंसर वहाँ पर मिल जाएगा, वही जब ओपन होता है तो बैक साइड में वही सेंसर हम यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स बहुत ही स्मार्टली डिज़ाइन किया गया है इसको, और कंपेयर टू अदर फोन्स, तो अकॉर्डिंग टू मी ये सारी चीज़ें इसमें रहने वाली हैं। तो बाकी जो कॉमन चीज़ हैं, ब्लूटूथ, वायरलेस एंड एवरीथिंग, वो सब तो होंगे ही। जो मेन फीचर थे, रैम, स्टोरेज, कैमरा आपका और जो हमारा स्टोरेज का है और जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई। प्रोसेसर, हाँ, प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 710 इसमें होने की पॉसिबिलिटी है। प्रोसेसर जो रहेगा स्नैपड्रैगन का रहेगा 710, विच इज़ अगेन वेरी गुड प्रोसेसर। सो ये एक और ख़ास चीज़ थी एंड यू कैन सी ये सारे के सारे फीचर्स आपको इस फ़ोन में, इस फोल्डेबल फ़ोन में मिल जाएंगे। सो आप इसके वीडियोस देखना चाहते हैं तो यू कैन वॉच ऑफिशियल वीडियो ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एंड ब्लॉग ऑफ मोटोरोला, ऑफिशियल ब्लॉग ऑफ मोटोरोला एंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम पेज ऑफ मोटोरोला। यू कैन वॉच ऑल दीज वीडियोज़, कैसा दिखेगा, किस तरह का रहेगा। फिलहाल मैंने एक आइडिया आपको दे दिया है, स्पेसिफिकेशन बता दिए हैं, कोशिश की है आपको, और प्राइस इसकी, हाँ प्राइस इंपॉर्टेंट है, पर प्राइस इसकी रहेगी $1500 इसकी बताई गई है इंडिया में, जो लगभग होगा 1 लाख रुपए से ऊपर। सो 1 लाख प्लस अमाउंट का ये फ़ोन होगा और ऑफकोर्स एक प्रीमियम फ़ोन है तो प्राइस रेंज अच्छी है, तो कुछ खास लोग इसको ले पाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप शेयर करना चाहें तो उसको ज़रूर शेयर कीजिए। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर है, आप इसके वीडियोज़ चेक कीजिए, एक इंटरेस्टिंग गैजेट आपको लगेगा ये। तो दैट्स इट, दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन अबाउट मोटोरोला रेजर फोल्डेबल फ़ोन। ओके, सो दैट्स इट, प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एडी एडी टेक्नोवेशन एंड सी यू एंड टेक केयर। थैंक यू।